आज शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। ये सत्र भी बजट सत्र की तरह दोनों सदनों के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि इसमें मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए हैं, जिसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहसबाजी हुई। सदन में काफी शोरगुल भी सुनाई दिया। तो इस बार दोनों सदनों में कितना हुआ काम और किन अहम बिलों पर लगी मुहर, आइए देखते हैं। बजट सत्र में इतिहास रचने के बाद सभी की निगाहें शीतकालीन सत्र पर टिकी थी कि इस सत्र में सरकार को कितनी सफलता मिलती है और दोनों सदनों में कितना काम होता है। 18 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया और इसी के साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि बजट सत्र के मुकाबले इस बार कम बिलों पर मुहर लग पाई है, लेकिन फिर भी सरकार के नजरिए से इसे सफल बताया जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कुल 20 बैठकें हुई हैं, कुल 14 विधेयक पारित किए गए हैं। सदन के कामकाज में 115% की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में 18 सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदस्यों ने 28 गैर सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए। विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 28 घंटे 43 मिनट तक चर्चा की गई। लोकसभा की कार्यवाही 130 घंटे 45 मिनट तक चली। वही बात करें राज्यसभा की, तो आज उच्च सदन की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके साथ ही उच्च सदन का 250वां सत्र संपन्न हो गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि उच्च सदन में कुल 20 बैठकें हुई है। राज्यसभा से 15 विधेयक पारित किए गए हैं। सदन में कामकाज 100% रहा है। इस सत्र में 107 घंटे 11 मिनट तक कामकाज हुआ। वही सत्र में पास हुए बिलों पर बात की जाए तो इस सत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने का संविधान संशोधन विधेयक, ई सिगरेट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विधेयक, नागरिकता विधेयक 2019, विशेष सुरक्षा समूह, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण विधेयक जैसे कई विधेयकों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा भी कई बिलों को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन आखिर में ये बिल पास कर दिए गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।